प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि पूरा भारत स्वच्छ बने। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए रायसेन नगर पालिका स्वच्छता अभियान की दिशा में निकली है। अभी यहाँ पे जानकारी मिली कि रायसेन नगर पालिका द्वारा चिकित्सालय क्षेत्र का दौरा किया तो उनको एक नाले में कुछ मेडिकल की दवाइयाँ और कुछ पर्चे मिले। उन्होंने उस मेडिकल वाले पे चालान बना दिया और वहीं उन मेडिकल वालों का कहना यह है कि यह कचरा हमारा नहीं था, ये कचरा किसी और द्वारा फेंका गया है। वहीं कुछ मेडिकल वालों का आरोप है कि यहाँ रोज़ कचरा गाड़ी आती नहीं है, इसकी वजह से ये कचरा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोग सब लोग डस्टबिन रखते हैं, उन्होंने डस्टबिन भी बताए और उनका कहना यह है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय नहीं है, सिर्फ एक डिब्बा रखा हुआ नगर पालिका ने जो काफ़ी गंदा रहता है। अब दोनों पक्षों ने अपना अपनी बात रखी है, जहाँ नगर पालिका ने बहुत सारे फोटो भेजे हैं मीडिया के पास कि देखिए आप वहाँ पर उनके यहाँ कचरा मिला है, उनके नाम की पर्ची है। वहीं मेडिकल वालों का कहना है कि कचरा हमारा नहीं है। मैं आवाज़ न्यूज़ से राकेश जैन राय से। क्या मामला, क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि परसों के दिन नगर पालिका मैडम शाम को विजिट पे आई हुई थी, नाली की तरफ जो ढेर देखा है आप, अभी भी जो लगा हुआ है कचरे का, उसमें हमारे यहाँ की दुकान की एक क्लिप मिली उनको नाली में। हमारा कहना ये है कि उनका कहना ये था कि साहब आपने फेंका है कचरा पूरा। हमारा अभी भी यही कहना है कि हमने कचरा नहीं फेंका। वो क्लिप अगर उड़ के भी पहुँच गई होगी या जो आपने प्राप्त करी है तो उसकी कोई वो नहीं, मगर कचरा हमने नहीं डाला। वो हमारी बात से ना खुश थी, उनको ये लगा कि नहीं साहब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि कचरा इनने डाला है। वो हकीकत बात है कि हमने नहीं डाला है। हमारी एक स्लिप अगर पहुंच जाती है तो क्या पूरे कचरे की जिम्मेदारी हमारी होगी? कचरा कहाँ डालते हो? कचरा हम नहीं डालते, नगर पालिका की एक दिन छोड़ के गाड़ी आती है, जैसे कल नहीं आई है, कल पूरे दिन नहीं आई है ना, जब भी आती है बराबर हमारे डस्टबिन लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास बाकायदा डस्टबिन है, सूखे कचरे का अलग है, गीले कचरे का अलग है रखा हुआ है, साफ सफाई की व्यवस्था है, साफ सफाई के लिए लड़का लगा हुआ है। उसके बाद भी उस चीज़ को उन्होंने नहीं देखा, उसके बाद भी चालान कार्रवाई की हमारे ऊपर। क्या नाम है आपका? मैं पवन दुबे। क्या नाम है आपकी दुकान का? भारत मेडिकल स्टोर। क्या कहना चाहते हो आप? गाड़ी एक दिन छोड़ के आती है कि डस्टबिन में कचरा हो जाता है। अच्छा, फिर कहाँ डालते हो कचरा आप? गाड़ी में डालते हैं। कई दुकान है आपकी? स्टार मेडिकल। क्या नाम है आपका? फरहान। क्या कहना चाहते हो? सर यहाँ पे कोई सुलभ सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, एक डब्बो रखा हुआ है डब्बा, उसमें गंदगी इतनी है कि वहाँ पे वॉशरूम जाने की इच्छा नहीं होती है, बहुत परेशान है। कचरा गाड़ी कब आती है? कचरा गाड़ी सर एक दिन छोड़ कर आती है डेली। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश कुमार लोधी।